वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोज़ी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जाने चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं पिछले कुछ दिनों में। हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। रैपिड टेस्ट हमारे पास 42,000 किट आ चुकी हैं, 42,000, और वो टेस्ट के लिए आज उसका ट्रायल रन LNGP हॉस्पिटल में करा जा रहा है। साथ ही साथ ट्रेनिंग भी करी जा रही है, और कल से इसको पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं सभी में किया गया है। तो ये पहले हॉटस्पॉट एरिया से स्टार्ट होंगे, क्या ये टेस्टिंग रैंडम होगा, कैसे होगा, व्हाट विल बी द प्रोसीजर? देखिए, टेस्टिंग जो होगा ना, जो लोगों को देखो, इसमें ऐसे बिल्कुल रैंडम करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। जिस आदमी को किसी भी तरह के सिम्टम्स कभी भी आए हों, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और जुकाम है, खांसी, हल्के से सिम्टम भी आए, तो उसको टेस्ट करने का फ़ायदा होता है। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन हुआ था और आपके शरीर ने फाइट बैक करके एंटीबॉडीज़ बना लिए हैं, तो वो इंडिकेट करेगा भाई एंटीबॉडीज़ बन गई है। जिसमें भी एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जिसमें भी थोड़ी सी भी दिखेंगी, तो हम उसको फिर RT-PCR टेस्ट करके कन्फर्म करेंगे। हमारा टारगेट ये कि कल से स्टार्ट करके एक हफ्ते के अंदर हम ये 42,000 टेस्ट करने का टारगेट है हमारा।